सतगुरु मेरा सूरमा करे शबद की चोट मारे गोला प्रेम का और हरे भरम की खोट रे साधो रे साधो। देखिए कौन जान कि आज जो स्थिति यूक्रेन में हुई है वो 15 दिन पहले होने वाली है, इसे कौन जानता है। कहने का आशय है कि जीवन का कोई ठीक नहीं रहता है, इसमें कब किसका क्या हो जाएगा इसको कोई जानता नहीं है, पर व्यक्ति अचेत रहता है, इसके बारे में सोचता ही नहीं है। जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वो लोग भगवान को भूल जाते हैं। मृत्यु को जो याद रखते हैं उन्हें भगवान की हमेशा याद रहती है। जो मृत्यु को ख्याल रखते हैं वही लोग अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, बाकी लोग अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते। जो लोग अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए ईशावास्योपनिषद में अर्थात यजुर्वेद में कहा है, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो ऐसे अंधकार से भरे हुए, दुखों से भरे हुए, नरक कहिए योनि कहिए उसमें जाते हैं, ये लोग आत्मघाती कहलाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते वही आत्मघाती हैं। आत्मा निश्चल प्रेम करता है आपसे अर्थात संसार के जीवों से, निश्चल प्रेम करने वाला कोई पदार्थ है तो आत्म तत्व है, निश्चल प्रेम है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए और उसका प्रेम निष्काम प्रेम है। देखिए संसार के लोग जो प्रेम करते हैं वस्तुतः वो प्रेम करते ही नहीं है, उनका प्रेम छलावा है, दिखावा है, वो स्वार्थ से लगे हुए हैं। जो स्वार्थ में पढ़कर किसी से प्रेम करता है उसका प्रेम प्रेम नहीं है। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो जैसे थूक को लोग देखते नहीं है वैसे नहीं देखेगा लौट करके। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो छोड़ देगा, स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो भी छोड़ देगा। संसार के सब लोग स्वार्थी हैं। स्त्री अपने स्वार्थ के लिए पति से प्रेम करती है, पति अपने स्वार्थ के लिए स्त्री से प्रेम करता है, बेटा बेटी सगे संबंधी अपने अपने स्वार्थ से ही किसी से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम नहीं करता। वस्तुतः संसार में जितने पदार्थ हैं, धन दौलत राजपाट स्त्री पुत्र
ये अनात्म पदार्थ है। अनात्म पदार्थ जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है उनसे ये जीव प्रेम करता है। ये लोग प्रेम के पात्र नहीं है क्योंकि स्वार्थ से ही ये लोग जुड़े रहते हैं। निश्चल प्रेम तो आपकी आत्मा करती है। देखो तो शरीर के भीतर में वो बैठी है, आपसे कुछ नहीं मांगती है वो आत्मा, और इतना निकट है कि उसके बराबर निकट कोई हो ही नहीं सकता है। स्त्री पुत्र धन दौलत हृदय में कोई घुसेगा तो नहीं, बैठेगा तो नहीं। ये लोग पराए हैं, अपने से दूर रहते हैं। जैसे दूध में कंकड़ पत्थर रेता भूल ही नहीं सकते, इसी प्रकार से ये जो अनात्म पदार्थ हैं संसार के, वो हमसे भूल मिल नहीं सकते। आत्मा ही है जो हमें भूल मिल सकती है। आत्मा ही आपके शरीर में अति निकट बैठी हुई है। कितना सन्निकट है वो, कितना प्रेम करता है, निश्चल प्रेम करता है। सबसे प्यारा वही है, प्रेम पात्र वही है, और उसकी उसका जो प्रेम है निष्कारण है, अहैतुकी कृपा है उसकी। वो हमें जीवन दे रहा है। शरीर के भीतर में बैठी हुई आत्मा आप सब के शरीर के भीतर में श्वास को चला रही है। वही आत्मा नस नाड़ियों में खून को दौड़ा रही है। उसी आत्मा की शक्ति पाकर हम देखते हैं, उसी की शक्ति पाकर हम कानों से सुनते हैं, जीभ से बोलते हैं। हम सब सोए रहते हैं अच्छे, लेकिन वो माता की तरह वो हमारी सदा रक्षा करता रहता है। आत्म पदार्थ वही हमें जीवन दे रहा है। वही आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परम पिता परमेश्वर है। उससे प्रेम करिए, उसको जानने के लिए प्रयास करिए। उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए कोई व्यक्ति चेष्टा नहीं करता है। देखो आज यूक्रेन में क्या हाल हो गया। लोग जिसे अपना प्यारा घर द्वार समझते थे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। विपत्ति आने पर अपने प्राणों को बचाने के लिए भागते हैं। वही प्राण के भीतर रहने वाली आत्मा ही आपकी सत्ता है, वही परमात्मा है, वही महेश्वर है। उसे कोई जानता ही नहीं है, उसे पहचानता ही नहीं है। सुनते हैं, सुन करके कान से निकाल देते हैं। बाई कान से सुना, दाहिनी कान से निकाल दिया। आप सब पूछेंगे भगवान जब शरीर के भीतर ही है तो मिलता क्यों नहीं। मिलते तो उसी को हैं जिसके प्राणों में उसे पाने के लिए छटपटाहट हो, भगवान की प्राप्ति के लिए। आपके शरीर के भीतर आत्मा है, वही भगवान है। उसे प्रकट देखने के लिए प्राणों में छटपटाहट नहीं है, क्रंदन नहीं है। जिसके प्राण में क्रंदन नहीं, रुदन नहीं, उसके अंतर में बुलाने की शक्ति नहीं है, अर्थात आत्मा को प्रकट करने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए अपने प्राणों में आत्मा को प्रकट करने के लिए छटपटाहट होनी चाहिए। देखिए यही आत्मा है जो गुरु है। आत्मा वही गुरु है। हाड़ मास श्याम गुरु नहीं होता है।
हर माँ श्याम के भीतर में बैठी हुई जो सत्ता है वही सत्ता गुरु सत्ता है। ओ गुरुदेव, आपके हृदय मंदिर में ही बैठे हुए गुरु का जो सच्चा स्वरूप है वो आत्मा में ही मिल जाएगा। आत्मा से प्रेम करो, प्रतिदिन सुबह शाम बैठकर ध्यान करो। ध्यान करने से ये आत्म तत्व अपने स्वरूप को प्रकट करता है। इसीलिए संसार के पदार्थों से प्रेम उतना ही करो जितना प्रेम रास्ते में चलते समय पेड़ पौधों से, धर्मशाला से, कुआं बावड़ी से, किसी घर से करते। रास्ता चलते समय प्यास लग गई, कुएं से बावड़ी से पानी निकाल कर पी लिए, आगे बढ़ गए, उस कुएं बावड़ी को हाय कुआं हाय बावड़ी कहकर कोई भी पकड़े नहीं रखता। रास्ता चलते थक गए, गर्मी लग गई, पेड़ के नीचे छाए में विश्राम कर लिए, आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी छाया को पकड़ करके बैठा नहीं रहता। घर द्वार, धर्मशाला, आश्रम जो भी मिलते हैं उनका उपयोग करके चल देते हैं। बस संसार में जो भी आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी हैं इनसे इतना ही प्रेम करिए जितना रास्ते के पेड़ पौधों से, घर द्वार से, धर्मशाला से करते हैं। संसार के अन्य जो पदार्थ हैं वे पदार्थ हमेशा आपको साथ नहीं दे सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते? स्त्री पुत्र धन दौलत ये आपको हमेशा साथ नहीं देंगे, सुख नहीं देंगे। प्रश्न होता है क्यों? क्योंकि ये विनाशी हैं, ये पराये हैं। पराये हैं तभी तो आपसे बाहर रहते हैं। शरीर से बाहर जो भी है गांठ बांध कर सीख लीजिए, वो पराये ही हैं। शरीर के भीतर है वही अपना है, शरीर से बाहर जो है वो पराया ही है। ये जितने पराये वस्तु हैं ये विनाशी हैं। विनाशी उन्हें कहते हैं जो काल को पाकर, समय को पाकर के विनष्ट हो जाता है। एकमात्र आत्मा है वही अपना है, आत्मा ही आप है। और आत्मा अव्यय है, अव्यय उसे कहते हैं जो अविनाशी है। अविनाशी माने जिसका विनाश कभी न हो, जो सर्वदा अपने साथ रहे। इतना प्रेमी है वो कि कभी आपको छोड़ता ही नहीं है। और दूसरे संसार के प्रेमी लोग सुख में साथ देंगे, दुख आने पर छोड़ देंगे। देखिए आपकी आत्मा कितना प्रेम करती है, कभी आपको छोड़ता ही नहीं है। और संसार में कोई है जो आपको इतना साथ दे, एक पल के लिए आपको न छोड़े, ऐसा कोई है क्या? हाथ पर हृदय रख करके बोलो, दुनिया में कोई भी आपको सदा साथ नहीं देगा, आत्मा ही देती है। आत्मा कितना प्रेम करती है परंतु उसके प्रेम को ये जीव ठुकराता है। और आप चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाए, अरे परमात्मा तो आपसे प्रेम कर ही रहे हैं, तुम ही नहीं करते हो। दोनों हाथ से ताली बजती है, कहो एक हाथ से कभी ताली बजी है क्या? भगवान अर्थात आत्मा तो तुमसे प्रेम कर रहे हैं, भीतर आत्मा आपके हमेशा साथ में विराजमान है। वो आपसे प्रेम की दरिया जिसमें से झरने बह रहे हैं, परंतु एक तुम हो कि कभी उससे प्यार नहीं करते। दोनों हाथ से ताली बजेगी, वो प्रेम कर रहे हैं तो आप भी प्रेम करिए। वो प्रेम करे तुम नहीं करो तो प्रेम का निर्वाह कैसे होगा?
उस अंतरात्मा का अन्वेषण करो, चेष्टा करो, वो प्रकट हो जाएगा। कभी कोई देखता ही नहीं है, भीतर झांकता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। इस जीव को ये पता नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मंगल क्या है पहचानने का प्रयास ही नहीं करता। जिस दिन यह जान जाए कि मंगल क्या है, अच्छाई क्या है, तो उसी दिन यह जीव शिव हो जाएगा। अच्छा को न जानने के कारण जो बुरा है वो अच्छा प्रतीत होता है। बुरा कौन है? ये संसार के ही या पदार्थ जो आपको साथ नहीं देंगे, जो अनात्म पदार्थ हैं वही बुरे हैं। उनके पीछे रहने से अपनी आत्मा का हनन होता है। ये केश आत्महनोजना है, जो आत्मघाती हैं वे अंधकारमय लोक में जाती हैं, उन्हीं का पतन होता है। ये आत्मा कहती है, देखो मैंने तुमसे इतना प्यार किया और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन एक तुम हो कि हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। तो गुरु गोविंद से इस बात को जाना जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो बतलाते हैं, अच्छा तो एकमात्र आत्मा ही है और अनात्मा निकृष्ट पदार्थ है। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मकर्म किया जाता है। आत्मकर्म कैसे किया जाता है गुरुदेव सिखाते हैं। ध्यान है, कैसे ध्यान करें इसको जानिए। क्रिया करने से जो परावस्था मिलती है, उसी परावस्था में कर्मातीत अवस्था में उस आत्मा का साक्षात हो जाता है। आत्मा जब प्रकट हो जाता है तो बस और कोई इच्छा नहीं रह जाती, और कुछ पाने के लिए चाहना नहीं रह जाती, पूर्ण तृप्ति आ जाती है और आपका काम होकर सदा आनंद में मगन रहता है। इसलिए समय निकाल कर बैठो, सोचो कि हमारे भीतर में वो कौन है जो श्वासा को चला रहा है, कौन है वो जो धड़कन उत्पन्न कर रहा है, वो कौन है नस नाड़ियों में रगों रगों में प्राणों को बहा रहा है, वो कौन है नख से सिक्त रस को रक्त को दौड़ा रहा है, वो कौन है जिसके रहने से हमारी सत्ता बनी हुई है, जिसके न रहने से ये शरीर देह शव कहलाता है। तो आप लोग गोपी बनिए। गोपी कहते हैं जो गोपन करे। गोपन किसको कहते हैं? गोपन कहते हैं चुपचाप बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले को। अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले को गोपन करता कहते हैं। तो जो गोपन करता होते हैं, गुप्त रूप से प्रभु को हृदय मंदिर में ध्यान करते हैं, परमपिता परमेश्वर उनके लिए दौड़े चले आते हैं। दौड़े चले आते हैं, वो कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। आपकी आत्मा ही कृष्ण है, आपकी आत्मा ही आत्मा राम है। उसे जानने के लिए प्रयास करिए। सबको जय श्री राम। आशा है आप सब हमारे दिए हुए उपदेश को अमल में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे। सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट, मारे गोला प्रेम का और हरे भरम की खोट। रे साधो